लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता शिवाजी राजा को हार्ट अटैक की वजह से हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। खबरों की माने तो अस्पताल में भी शिवाजी को हार्ट अटैक आया है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके करीबी दोस्तों के मुताबिक शिवाजी राजा का अचानक बीपी लो हो गया, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने सुझाव दिया है कि उन्हें स्टंट लगाया जाए। शिवाजी राजा को अचानक दिल का दौरा पड़ने की खबर से सिनेमा जगत की हस्तियों को झटका लगा है। वे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं और काफी परेशान हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी सलामती के लिए भी दुआ कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 26 फरवरी 1962 को जन्मे शिवाजी राजा को उनके फैंस सुब्बा राजू के नाम से भी बुलाते हैं। अभिनेता और प्रोड्यूसर शिवाजी राजा ने अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। फैंस उनकी एक्टिंग को काफी पसंद करते हैं।